शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम आएंगे। पीएम मोदी इससे पहले भी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम आते रहे हैं। पीएम मोदी का ये केदारनाथ धाम का छठा तो बद्रीनाथ का दूसरा दौरा होगा। पीएम मोदी पहली बार बद्रीनाथ में रात्रि प्रवास करेंगे। पीएम मोदी उत्तराखंड को 3400 करोड़ रुपए के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। इसमें केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे परियोजनाओं का शिलान्यास भी शामिल है। लेकिन पीएम मोदी इस बार भी अपनी गरुड़ चट्टी जाने की इच्छा पूरी नहीं कर सकेंगे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी केदारनाथ पहुंचकर अपनी साधना स्थली गरुड़ चट्टी का भ्रमण नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि 80 के दशक में मोदी ने यहां 1.5 महीने तक साधना की थी और तब वह प्रतिदिन केदारनाथ मंदिर के दर्शनों के लिए पहुंचते थे। लेकिन जून 2013 की आपदा के बाद से गरुड़ चट्टी की वीरानी नहीं टूट पाई है, जिस कारण यह क्षेत्र अलग थलग पड़ा है। 20 अक्टूबर 2017 को पीएम मोदी ने गरुड़ चट्टी क्षेत्र को विकसित करने की बात कही थी। तब उत्तराखंड शासन ने केदारनाथ से गरुड़ चट्टी तक 3 किलोमीटर नया पैदल मार्ग बनाते हुए उसे केदारनाथ मंदिर से जोड़ने के लिए मंदाकिनी नदी पर स्टील गार्डर पुल का निर्माण भी किया। 7 नवंबर 2018 को केदारनाथ भ्रमण के दौरान पीएम मोदी ने गरुड़ चट्टी जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन तब रास्ता पूरा नहीं बन पाया था। अब पुराने पैदल रास्ते को पुनर्जीवित करने का मामला केंद्र सरकार में अटका हुआ है। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि गरुड़ चट्टी केदारनाथ यात्रा की पहचान रहा है। इस क्षेत्र को पूर्व की तरह संरक्षित किया जाना चाहिए।